मियाँ साहब ने एक बयान दे दिया है, कहते हैं कि जी मुझ पे भैंस चोरी का इल्जाम वो मुकदमा लग रहा है ना, मैंने कभी भैंस चोरी करने के बारे में सोचा था। उन्होंने सब कुछ ही चुराया और ये आपको भी पता है। भैंस ने चोरी की हुई है तो उसकी दर्द हो रही है ना बार बार, बात तो ये है। मना लो नंबर किसको मिला, माशरी ने कुछ दिन भैंस चोरी की थी कि नहीं? पूरे तबेले चोरी कर रही है उन्होंने, पूरे तबेले। आप भैंस की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो पता नहीं किस किस का क्या क्या चुरा लिया हुआ है। गटर का ढक्कन जब पहली दफा इत्तेदार में आए थे वो ढक्कन नहीं छोड़े थे, वो बहुत चोरी करते हैं। खान को आने दो, इनको सबको पता चले कि कितने कितने पेट में दर्द होगी, वो बाद में बाद। तू मेरा दिल तू मेरी जान, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया, कहते हैं कि हम पर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया जा रहा है, यानी कि ना तो कभी हमने भैंस चोरी करने के बारे में सोचा है और ना हमने कोई भैंस चुराई है। अब नवाज शरीफ साहब भैंस चोर हैं या नहीं है ये तो मुझे वहाँ भी बताएगी। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार सही है, बेहतरीन है, जो मुकदमा में मिल जाता है। तो मुस्कुराए अंकल? नहीं मुस्कुराओ क्यों, किस चीज मुस्कुराए भाई, क्या चीज से तो हंसे, क्या चीज नजर आ रही है, मैं मुस्कुराऊं? हाय टेंशन ही टेंशन है और कुछ भी नहीं, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। हाँ कि हंसने को जी नहीं चाहता, हंसने को जी नहीं चाहता, ये बात है असल में। ओ माय गॉड, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि जी हम पर भैंस चोरी का मुकदमा किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, यानी भैंस कहते ना हमने कभी भैंस चुराई है ना कभी हमने भैंस इसके बारे में सोचा है। भैंस जिन्होंने खाई है गाजरें उनकी पेट में दर्द होगा ना, बात तो ये है। आपको लगता है मियां नवाज शरीफ साहब भैंस चोर होंगे? समझ आएगी, जिसने खाई है उसी के पेट में दर्द होगा ना, असल बात तो ये है। ये बात है, नहीं खाई तो ना सही, खाई है तो फिर दर्द भुगते ना, बात तो ये है, बात तो ये है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, असल बात ये है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खान को बैर आने दो, इनको एक भी बन के जो मर्जी कर लेना, बात एंड पे यही है, एंड पे यही। खान को बाहर निकालो, क्या मुकाबला करो, पता चले आप कितने पानी में, वो कितने पानी में, कितने पानी में। बात एक है बस। आपको लगता है कि भैंस चोरी, भैंस कौन ने चोरी की हुई है तो उसकी दर्द हो रही है ना बार बार, बात तो ये है। बिल्कुल सही बात, अब भैंस चोरी की, जिसने चोरी की उसको दर्द होगी ना, उसे ही दर्द होगी। और खान को एक दफा बाहर आने दो, खान को आने दो, इनको सबको पता चलेगा कितने कितने पेट में दर्द होगी, वो बाद में बाद वो बाद में पता लगेगा। बिल्कुल सही है सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मना लो नंबर किसको मिला, नवाशरी ने कुछ दिन भैंस चोरी की थी कि नहीं? कह रहे हैं मेरे पे मुकदमा बना रहे हैं भैंस चोरी का, कह रहे ना मैंने कभी भैंस चोरी की है और ना उसके बारे में कभी सोचा है भैंस चोरी करने के। पूरे तबेले चोरी कर रही है इन्होंने, पूरे तबेले। आप भैंस की बात कर रहे हैं, ये मेरा बॉस आ रहा है, ये देखे पीछे देखे आपका फैन, तबेले चोरी कर लिया। हाँ जी खत्म हो गया, दूध कितने का हो गया, तबेला ही चोरी हो गया, 60 रुपए की गड़वी थी, अब कितने का भाई? अब तो 230 रुपए। वो भी दूध कौन से है? वो भी ये ऐसे ना गल करो, नहीं आपसे भी बात करें, नहीं नहीं लगता है आपको भैंस चोरी की, भैंस चोरी किसने चोरी, ये कह रहा है मेरे पे भैंस चोरी का मुकदमा कर रहे हैं भाई। नवाज शरीफ तो पता नहीं किस किस का क्या क्या चुरा लिया हुआ है। मुल्क के गटर का ढक्कन जब पहली दफा इत्तेदार में आए थे वो ढक्कन नहीं छोड़े थे, इनको ठेका मिल गया था। हम बचपन से जानते हैं, बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें इनकी करतूतों का पता है, आजमाए को क्या आजमाना। एक बात कहूँगा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान। गल समझो कि नहीं, गाना बनाया, दिल मंगे दिल दियांगा, जान मंगे जान दियांगा, ते खलोवांगा जरूर, क्योंकि शौर हर बंदे नू आ गया है, हुण पागल कोई नहीं, अनपढ़ कोई नहीं रहा। साडे तलीम दी किताबां जैसी अपने बचपन जिते स्कूल पढ़ने सन 5वीं 6वीं च, ते मास्टर साहब सानू ना दुआए कनूद, दुआए कोसर, सुभान अल्लाह, सूरह फातिहा, मैंने कहा इफ्तिखार ने 5वीं तक ना इतनी खूबसूरत आयत देखो, मैं दस ना, मैंने इन्हां दे कपड़े दे लाते ना, इमरान खान ने, इमरान ने कपड़े ला के ना सारे नंगा करता है, हुण जो मर्जी कर लन, जिवें मर्जी कर लन, ये सारे नंगे हो गए ना पूरी कौम दे सामने, बल्कि पूरी कौम नहीं पूरी दुनिया च, जिन्ने मुल्क सानू लगदे ने 154 ममालिक दे सारे नजर च ना नंगे हो गए ने। बिल्कुल सही, वेखो हुण कह रहे मेरे ते मुकदमा बना रहे ने भैंस चोरी का, और मैंने कभी ना सोचा भैंस चोरी करने का, और ना मैंने कभी चोरों की घूम सी, चोरी अगे बहाते ने, ते दुनिया के मुनाफक तरीन बहाते ने, गल समझो कि नहीं, असं हर चीज़ में वेख रहे हैं, आवाम है ना,
दिहाड़ी लानी है, बच्चे पालने, सानू नफसा नफसी च पाया है। लेकिन एक बात कि अपनी रोटी पूरी करो। आपके अंदर जो आपने की है ना, सूरह कौसर की जो बात की है, इतनी खूबसूरत आयत है, छोटी सी आयत है। इन्होंने खबीज दे बच्चे ने और मोहब्बत ही देखो, इन्होंने अमेरिका दे कहते, इसराइल दे कहते, इसराइल असि तस्लीम नहीं करते। काकड़ की लैन गया, अभी करेंगे भी नहीं। काकड़ की लैन गया उथे, इन्हें किवें जरूरत होई उथे जा गैर मुस्लिम ने, ए लोग गैर मुस्लिम ने, क्योंकि साढ़े लॉ च लिखी है, साढ़े कायदे ने कहा थे, कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा थे कि इसराइली जड़े ने ना इनू असीं तस्लीम नहीं करते, क्यों जबरन काबज ने पहली जंगे अजीम च काबज कराया अमेरिका ने नाल बरतानिया रल के, दूजी जंगे अजीम च बिल्कुल काबज हो गए, तस्लीम कराना शुरू करता है। हूँ वेखो साढ़े सामने मौजूदा सऊदी अरब में भी कह रहे हैं तस्लीम करो, इंडिया के वैसे ही हनुमान ने मनने वाले ने, उन्होंने तो मनना ही मनना है, उनको भी काफर ने तो भी काफर ने। अच्छा एक पैगाम भी है हमारा कुरान मजीद अगर पढ़ा होगा ना तो उसमें वाजिया लिखा हुआ है, यहूदों ने सारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, एक कादिया पिंगा पांदे ने। कि ये मियां साहब ने एक बयान दे दिया है, कहते हैं कि जी मुझ पे भैंस चोरी का इल्जाम, वो मुकदमा लग रहा है, हो रहा है ना, मैंने कभी भैंस चोरी करने के बारे में सोचा था, उन्होंने सब कुछ चुराया और ये आपको भी पता है, लेकिन आपकी जुबान बंद है, आप कह नहीं सकते, और आपको भी ये पता है कि उन्होंने क्या क्या चुराया है और ये दोबारा किस लिए आए हैं, इन्होंने सब कुछ फिर चुरा लिया, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। बस लेकिन हम आवाम की आवाज़ तो पहुंचाते हैं, उन्होंने कह दिया ना, मैंने जब आपको कह दिया कि उन्होंने भैंस चुराई है, क्या हर चीज चुराई है, ठीक है ना, छोड़ा ही कुछ नहीं उन्होंने मुल्क में। मियां साहब को कोई पैगाम है? कोई पैगाम नहीं, भैंस तो उन्होंने चुरा ली, आवाम को पता क्या बनाया वो उन्होंने, बछड़ा जिसके हिस्से में वो एक एक पॉइंट आता है, चार आधा आता है, मुझे कब आएगी, ऐसे ऐसे करेगी, दूध पिलाएगी, लाडियां करेगी, ये भैंस भाई हम पे भारी है, इस भैंस को कहीं और ले जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है सर, दाग दिल के मिटते नहीं, मिटाने पे ना जा रफी साहब का गाना, ये वो लोग हैं, ये नहीं मिट रहे लोगों के दाग, ये खुद मिट जाएंगे अब, हाँ आवाम बड़ी जीनियस हो गई है, भूखी मर रही है, इनको माफी देगी। क्या पैगाम मियां साहब को देना जा रही है? मियां साहब के लिए ये पैगाम है कि उनकी दवाई की एक दो डोज अभी बाकी है, वो जाए और लेके आए, क्या नहीं भैंस चोरी का मुकदमा मेरे पे, अच्छी बात है ना, होना चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पे चोर भैंस चोरी का मुकदमा चलाया जा रहा है, मैंने कभी भैंस चोरी करने का ना सोचा है ना मैंने भैंस चोरी की है, आपको लगता है कि भैंस चोर होंगे नवाज शरीफ? वो बहुत कुछ चोरी करते हैं, हाँ बहुत कुछ चोरी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, मसलन क्या क्या इतना आवाम को परेशान किया है, ये हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, तो छोटी बात है वो, तो बहुत छोटी बात है बिल्कुल, चोरी कर ली है, हाँ जी, यानी कोई मियां साहब को पैगाम है, आप कुछ देना चाहेंगे पैगाम? ये सारी चीज़ों की कीमत कम करें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल हमारे जो इतने ज़्यादा उतना वो यूज़ नहीं हो रहा है जितने वो उनके बढ़ा दिए उन्होंने, जितना बढ़ा दिए, क्यों जी क्या कहती हैं आप? बस उनको कहे हमारे बच्चों को मुस्तकबिल कुछ सोचे, कुछ उन्होंने बस बच्चों का मुस्तकबिल सोचे, मेरी बहन ये कह रही है बच्चों इधर ही खड़े रहिएगा, इतनी कर दी है कि कुछ भी नहीं इंसान खरीद सकता ना कुछ कर सकता है, इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा कुछ खरीद नहीं सकता, आप तो ये कह रहे हैं कि भैंस चोरी का मुकदमा हो रहा है, इधर तो आवाम बहुत परेशान है, बिल्कुल, बहरहाल नाज़रीन हमने आवाम की आवाज़ ही आप तक पहुंचानी होती है, हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। मस्करे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुतरा आपके साथ है, क्योंकि सुतरा आपके साथ है, साथ है।